हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं लेफ्ट ओवर रोटी से पिज्ज़ा। मैं एक पिज्ज़ा के लिए दो रोटी का यूज़ करने वाली हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहली रोटी रखी है जिसमें डालना है म्यूनिस। म्यूनिस को अच्छे से स्प्रेड करिएगा कि वो पूरे अच्छे से रोटी में लग जाए। देन उसके बाद डालना है हमें चीज़। आप मोज़रेला चीज़ या प्रोसेस चीज़ कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने प्रोसेस चीज़ यूज़ करी क्योंकि इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फिर इसके ऊपर रखिए दूसरी रोटी और उसमें डालिए पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करिएगा क्योंकि मेन टेस्ट पिज़्ज़ा में तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस से आता है। और ये मैंने घर पे बनाया हुआ है जिसकी रेसिपी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। जब सॉस अच्छे से स्प्रेड हो जाए इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चीज़। आप ज़्यादा चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और चीज़ आप कोई से भी यूज़ करिए, बट टेस्ट का फ़र्क तो रहता है क्योंकि क्यूब वाली चीज़ में कुछ अच्छा सा टेस्ट आता है, बट मोज़रेला चीज़ में ओनली चीज़ पुल रहता है। इसलिए मैं ज़्यादा तो क्यूब चीज़ ही यूज़ करती हूँ। और फिर इसमें आप अपनी पसंद के टॉपिंग्स डालिए। मैंने यूज़ करा है अनियन, शिमला मिर्च और पनीर। आप कोई सा भी टॉपिंग्स यूज़ कर सकते हैं अपने कम्फर्ट के हिसाब से या फिर आपके जो पसंद हो। मुझे शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद है तो मैं शिमला मिर्च कभी भी स्किप नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें मेन टेस्ट पिज़्ज़ा में मुझे शिमला मिर्च का ही अच्छा लगता है। और सारी टॉपिंग्स आपके डल जाएं तो इसमें डालिए बहुत सारा चीज़। अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो पिज़्ज़ा में और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि पिज़्ज़ा में एक बहुत अच्छा रोल रहता है चीज़ का। तो अच्छे से दिल खोल के चीज़ यूज़ करिएगा। और जब चीज़ आपका डल जाए तो इसमें डालिए चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और उसके बाद इसे बेक कर लीजिएगा। मैंने बेक करने के लिए पैन का यूज़ करा है और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया था बिकॉज उससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ये। किसी कटोरी या किसी भी छोटी चीज़ में पानी रख सकते हैं, बट आप किसी और तरीके से बेक कर रहे हैं तो कोई नीड नहीं रहेगी पानी की। और फिर जब आप इसे बेक कर लेंगे तो आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यमी सा। अभी बेक करने के बाद इसमें पिज़्ज़ा शो होगा, आप देखिए कितना यमी लगेगा। और सच में इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप भी ज़रूर इसे अपने घर पर ट्राई करिएगा। और ये सबसे सिंपल रेसिपी है पिज़्ज़ा की। बाय।